नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत ने पहले मुकाबले में शानदार तरीके से पाकिस्तान को मात दी। इस मात के साथ ही टीम इंडिया की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। टीम इंडिया की जीत की, टीम इंडिया के बदले की, जिस तरीके से टीम इंडिया ने शानदार तरीके से खेल दिखाया और टीम को जिताया, और हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा की इस वक्त चर्चा है। लेकिन अब चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि अगली बार भारत का और पाकिस्तान का मुकाबला कब होगा, कब ये दोनों टीमें आमने सामने दोबारा से होंगी। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा शेड्यूल समझाते हैं कि कैसे कैसे टीम इंडिया और पाकिस्तान एक बार दोबारा से भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में मौजूद हैं। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा हांगकांग की टीम भी मौजूद है, और हांगकांग की टीम का भी दोनों टीमों से मुकाबला होगा। अब ऐसे में जब ग्रुप ए की तीनों टीमों के आपस में मैच हो जाएंगी, तो ग्रुप ए की जो टॉप टू टीमें होंगी वो एक बार दोबारा से आपस में भिड़ेंगी, और वो टॉप टू टीमें भारत और पाकिस्तान ही होंगी। क्योंकि जिस तरीके की दोनों टीमें हैं और जिस तरीके से मजबूती दोनों टीमों के अंदर है, तो हांगकांग को हराना कोई दोनों टीमों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में अगर दोनों टीमें टॉप करती हैं तो टीम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर से संडे को होगा। वो तारीख होगी 4 सितंबर। तो 4 सितंबर को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ सकते हैं। तो एक जीत दूसरी जीत के लिए भी तैयार हो जाइए, और अगर वहां पर भी टीम इंडिया और पाकिस्तान बेहतर खेले आने वाले मैचेस में, तो एक बार फिर से फाइनल में भी दोनों टीमें आपस में भिड़ सकती हैं। तो यहां पर सुपर संडे, आने वाला सुपर संडे 4 तारीख को भी आप तैयार हो जाइए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आपको आने वाले संडे को भी देखने को मिलेगा, जो 4 तारीख को संडे होना है उसको भी आपको देखने को मिलेगा। तो शानदार तरीके से भारत ने पहले भी पाकिस्तान को हराया 28 तारीख को, और 4 तारीख को भी हराएंगे। तैयार हो जाइए तमाम क्रिकेट फैंस उस दिन के लिए जब एक बार दोबारा से पाकिस्तान सामने होगी और दोबारा से वो मात खाएगी। तो आपका भारत और पाकिस्तान के मैचों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।